आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता भी बिखरने लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके क्या सियासी समीकरण हो सकते हैं, कैसे इस पर असर पड़ सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, देखिए। जालंधर की तरक्की के लिए आज मैंने ये फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। बीजेपी दफ्तर में ये है जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगुराल। अब तक दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन बुधवार को दोनों ही बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। जालंधर के विकास के लिए, जालंधर की बेहतरी के लिए, जालंधर की तरक्की के लिए आज मैंने ये फैसला लिया है और हम जालंधर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जो केंद्र सरकार के सारे प्रोजेक्ट है वो हम जालंधर में लेके आएंगे। सुनील कुमार रिंकू का आम आदमी पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन रिंकू ने पार्टी का साथ तब छोड़ा है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। पंजाब के विधायक गोल्डी कंबोज ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि कई विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए कॉल आई है। आरोप के मुताबिक विधायक रजिंदर कौर शीना, अमनदीप मुसाफिर को विदेशी नंबर से बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया। बीजेपी पर लगे आरोपों के बीच अब सुशील कुमार रिंकू का कहना है कि उन्होंने बीजेपी किसी एजेंसी के डर से नहीं ज्वाइन की है। किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। डर तो उन लोगों को होगा जिन लोगों ने कोई घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिनके ऊपर कोई जो सरकारी अदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उन लोगों को डर होगा, मुझे किसी तरह का। दरअसल सुशील कुमार रिंकू का बीजेपी में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को जालंधर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया था। कहा जा रहा है कि आप नेताओं ने उन्हें पार्टी में रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने जालंधर सीट पर 2023 के उपचुनाव में 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अब आप नेता कह रहे हैं कि सुशील कुमार रिंकू को जनता सबक सिखाएगी। ये गद्दारी उन पंजाबियों से है जिन्होंने हमेशा ही गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो सुशील रिंकू जैसे मौका प्रस्त लोगों को आने वाले समय में पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे। भाजपा की घटिया जो राजनीति है, हॉर्स ट्रेडिंग की जो पॉलिटिक्स है, खरीद फरोख की जो राजनीति है, उसका वो शिकार हुए हैं। जो ऐसे लीडर होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टी बदलते हैं, उनको लोग सबक सिखाते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जालंधर के लोग सुशील रिंकू को बहुत भारी मतों से हराएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि कभी कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, अब जो है वो बीजेपी में चले गए। गौर करने की बात है कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यहां गठबंधन नहीं किया है, लेकिन पंजाब बीजेपी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। सुशील कुमार रिंकू शीतल अंगुराज से पहले हाल ही में 2019 में लुधियाना सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसी साल 18 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर नेहा पूनम और गुरचरण कालरा बीजेपी में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और यहां चुनाव एक ही चरण में होना है। पंजाब में सभी सीटों पर वोट 1 जून को डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब की सियासत में हलचल तेज है। टीम न्यूज नेशन। आइए रुक करेंगे बड़ी खबर का। नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। दरअसल बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी की है और इसी लिस्ट में नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। आज फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे नवनीत राणा। दिल्ली जाकर अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। इस बीच नवनीत राणा ने यह कहा कि अमरावती की सेवा का फल मुझे मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल अमरावती से ही निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से अमरावती से ही टिकट भी दे दिया है। ऐसे में अब जो उनका मुलाकातों का दौर है सियासी नेताओं से, वो भी शुरू होने जा रहा है। आज फडणवीस से मुलाकात होगी, अमित शाह से भी आज मुलाकात करेंगे नवनीत राणा। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, वो उसे अपने इस ट्वीट में दोहराती हुई नजर आई है।
अमरावती में क्या खिलेगा, अमरावती में क्या खिलेगा, देश में क्या खिलेगा, अब की बार, अब की बार, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की, अमरावती में क्या खिलेगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रमेश विधूड़ी को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को भी यूपी के सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है, नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु को असम की जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी अब नियुक्त कर दिए गए हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उस राज्य में उस क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सके, जो चुनावी रणनीति है उसे धार दिया जा सके। और इसके लिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है।